ऑल राइट गाइज, मैं हूँ जारनेटर और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है अबाउट दी असॉल्ट राइफल ड्रिल्स। एंड अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज़ मेक श्योर आप वो देख लेना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आई बटन पे लिंक कर दी, आप जाके देख सकते हो। अब हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो के साथ। सो सबसे पहले आपको ड्रिल्स के लिए एक गन चूज़ करनी पड़ेगी, या तो फिर आप टाइप 25 चूज़ कर सकते हो या फिर AK-47। यहाँ पे मैं टाइप 25 यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी अटैचमेंट्स नहीं लगाने हैं। आप रेड डॉट या फिर एक एक्सटेंडेड मैग लगा सकते हो, बट आपको दूसरे कोई भी अटैचमेंट्स यूज़ नहीं करना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक रेड डॉट और एक एक्सटेंडेड मैग लगाया और कुछ भी मैंने नहीं लगाया। सो पहले ये चीज़ ध्यान रखना, उसके बाद ही ड्रिल्स करना, तो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलते हैं हमारी ड्रिल्स की तरफ। तो यहाँ पे जो ड्रिल्स है तीन पार्ट में डिवाइडेड है। हमारी जो पहली ड्रिल है वो है यू ड्रिल। यू मतलब यू शेप वाला ड्रिल। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको पहला ये टारगेट शूट करना है, फिर उसके बाद ये वाला, फिर तीसरा ये एंड चौथा ये। आपको ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा अपनी तरीके से सीक्वेंस चेंज कर सकते हो एंड कोई भी शेप का यू बना सकते हो। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, साइमल्टेनियस शूटिंग करना, यानी कि एक टारगेट जब आपने डाउन किया उसके बाद दूसरा टारगेट, फिर तीसरा एंड फिर चौथा। एंड एक्सटेंडेड मैग इसीलिए मैंने बोला था बिकॉज बुलेट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सटेंडेड मैग रिकमेंड किया था पहले। सो आप एक्सटेंडेड मैग लगा के ही यूज़ करना एंड हो सके तो आप यहाँ पे एक रेड डॉट या फिर होलोग्राफिक जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो यूज़ कर दे रहा हूँ। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे जो मूविंग टारगेट्स है उनका खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी कभार ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के साथ एंड जो दूसरे टारगेट है उनके साथ। और यहाँ पे होता क्या है कि आप एक ही साथ दोनों टारगेट को शूट कर देते हो तो वो एक चीटिंग कहलाएगी। यहाँ पे आपको साइमल्टेनियस टारगेट को शूट करना है। तो यहाँ पे मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप इस ड्रिल को जितना फास्ट कर पाए उतना कीजिए, बिकॉज आप जितना फास्ट इस ड्रिल को करोगे उतना बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपका रिएक्शन टाइम बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सेकेंडली आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपका जो भी स्प्रे ट्रांसफ़र है वो भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा, एंड सेकेंडली आपका थोड़ा सा रिकॉल कंट्रोल भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको इस ड्रिल को और ज़्यादा टफ़ बनाना है एंड और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाना है तो आप यहाँ पे मूवमेंट्स ऐड कर सकते हो, लाइक जिगल मूवमेंट्स, क्राउच मूवमेंट्स, प्रॉन मूवमेंट, बनी हॉपिंग, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ गन स्किल्स ही नहीं बट यहाँ पे आपकी मूवमेंट स्किल भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ड्रिल की तरफ, जो कि है RCT, यानी कि रिकॉइल कंट्रोल। एंड T का मतलब मैं आपको बाद में समझाता हूँ एंड Q है वो भी समझाता हूँ। सो सबसे पहले आपको ये वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाना है एंड सेट कर लीजिए तकरीबन 10 मीटर का। एंड यहाँ पे आपको जो मिडल पोर्शन है वहाँ पे आपको शूट करना है एंड फिर आपको ऊपर वाले बोर्ड में देखना है कि आपकी बुलेट्स कितनी अंदर लगी है एंड कितनी बाहर, ठीक है। तो ये ड्रिल आपको 2-3 बार करनी है विथ 10 मीटर्स, उसके बाद आपको 20 मीटर्स तक जाना है एंड उसके बाद आपको जाना है 30 मीटर्स पे। सो यहाँ पे आप जैसे ही 20 मीटर से 30 मीटर 40 मीटर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि यहाँ पे रिकॉइल बहुत ही ज़्यादा लगेगा, प्लस आपकी यहाँ पे एक्यूरेसी घट जाएगी एंड बहुत ही कम बुलेट्स आपकी वो जो मिडल पार्ट है वहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे आता है हमारी टी ड्रिल, दैट इज़ द टैपिंग ड्रिल। तो यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म है रिकॉइल कंट्रोल एंड टैपिंग ड्रिल। तो यहाँ पे आपको टैपिंग यूज़ करना है। अभी टैपिंग यहाँ पे मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज टैपिंग एक बहुत ही अच्छा ज़रिया होता है आपको रिकॉइल इग्नोर करने का। बेसिकली आप जितना फास्ट टैप करोगे उतना तो आपको रिकॉइल लगेगा ही, बिकॉज वेपन किकबैक होता है, बुलेट का प्रॉपर एक किकबैक होता है, बट थोड़ा सा कम होता है रिकॉइल से। एंड देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द बुलेट्स जो पहले नहीं लग रही थी वो अभी मिडल पार्ट में लग रही है। एंड इस टैपिंग ड्रिल को आप जितना ज़्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट परफॉर्म करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स बढ़ेगी। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट ड्रिल की तरफ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रिल है वो है ट्रैकिंग। बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं मिलेगा गेम में, इवन वो एक बॉट है, नूब है, प्रो है, सभी लोग थोड़ी ना थोड़ी मूवमेंट्स तो करते ही है एंड मूवमेंट्स के हिसाब से हमारा स्कोप चेंज होना चाहिए।
तो यहाँ पे जो स्कोप की शिफ्टिंग होती है उसको बोलते हैं ट्रैकिंग। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टारगेट को ट्रैक करना है एंड स्पेशली मूविंग टारगेट को। तो यहाँ पे मूविंग टारगेट को आप देख सकते हो मैं कैसे ट्रैक कर रहा हूँ, एंड वैसे ही आपको करते रहना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही टारगेट को करना है, जैसे कि ऊपर हंटर किलर ड्रोन जा रहा है तो उसको ट्रैक करना है, फिर गेम में जितने भी यहाँ पे मूविंग टारगेट अगर आपको दिख रहे हैं उनको ट्रैक करो। और एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको टारगेट्स भी चेंज करने हैं, भले वो शॉर्ट रेंज में है या लॉन्ग रेंज में। शॉर्ट रेंज में आपको हमेशा ही ऑटोमेटिक चलाना पड़ेगा, एंड लॉन्ग रेंज में आपको टैप फायरिंग करनी पड़ेगी। एंड मिडिल रेंज में डिपेंड करता है कि कितनी रेंज है, तो उस हिसाब से आपको आपकी मसल मेमोरी सेट करनी पड़ेगी, एंड उस हिसाब से आपको आपके एंगल्स चेंज करने पड़ेंगे आपके स्कोप के। सो इस ड्रिल से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, ट्रैकिंग स्किल्स आपकी अच्छी हो जाती है, रिकॉल कंट्रोल भी आपका अच्छा हो जाता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी ड्रिल्स आप जो करने वाले हो उससे आपकी मसल मेमोरी पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप जो करने वाले हो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने की नहीं होगी, इसीलिए मसल मेमोरी यहाँ पे इफेक्ट होगी। सो पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपको स्नाइपर की ड्रिल्स चाहिए या फिर SMGs की ड्रिल चाहिए। सो कमेंट करके बता देना। एंड ये सभी ड्रिल्स जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए करना या फिर आप 20 मिनट के लिए भी कर सकते हो, एंड रोज़ करना ये ड्रिल्स, तभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड जितना हो सके उतना मूवमेंट्स ऐड करना, एंड जितना हो सके उतनी ये ड्रिल्स फास्ट करना एंड एक्यूरेट करना, तो ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो ये थी हमारी पूरी वीडियो, एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अभी तक आपने नहीं किया है तो। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद गाइज़।